मैं सबसे पहले तो के बाग का प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे दावत दी आने की। वैसे भी टोयोटा जो प्रेस क्लब है पुराना ताल्लुक है, मैं रात से भी बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा और नशा भी दिलाया और मैंने बड़े जिम्मेदार जो अखबार दिए से अखबार नुमाइंदे रिपोर्टर के जनाब सदर मलिक साहब, सदर टोयोटा प्रेस क्लब जनाब आमिर फरीद, खोखर साहब जनरल सेक्रेटरी, मन मकसूद चौधरी साहब नायब सदर, मदर सैन साहब सीनियर नायब सदर, मकसूद चौधरी साहब नायब सदर, मदर सैन साहब मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रेस फाउंडेशन, शुक्र खोखर साहब, जनाब जीवित वसम साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी मालिया जनाब वसम हुसैन साहब, सेक्रेटरी इतला जनाब जावेद मोहल साहब और दीगर शरकार का भी मैं बड़ा गुजार हुआ पसीदा है। जैसा कि आपके इल्म है कि पिछला साल आज से 11 माह पहले आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, दिन तरमीम में हमने इलेक्शन कमीशन की जगह इलेक्शन कमीशन बनाया, उसको बाख्तियार किया। जो भी इख्तियार एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए मांगा वो असम्बली से कानून साजी करके उसको पास करके उनके हवाले किया। उम्मीद ये थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ इलेक्शन करवा सके, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मशीनरी थी जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कमीशन के हदायात पर अमल करता या बात करता, उन्होंने अपने फ़राइज के माह को वो अदा नहीं किए। और ये जो एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, इसलिए मैं नहीं कहता कि हम हार गए हैं तो तब मैं कह रहा हूँ, नहीं कतन ऐसी बात नहीं। यानी खुद अपना डुडियाल में वजीर बुरे कशीर पकड़े गए पैसे देते 5 लाख रुपये, तो मुश्तियाज खरवा रहे सिर्फ और वो भी सामने, लेकिन कोई उस पर जो पेश रफ्त हो सकी। इसी तरह से वजीर बुरे कश्मीर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालत में अगर दाखिल ना हो, और सबक वजीर अजम पाकिस्तान जो आकर दर बदर फिर रहे जिन्हें हमारा मैंडेट छीना, वो हेलीकॉप्टर में लेकर उसका राजस्व जा रहे, उन्हें राजस्व के आयन की तस्दीक की, तोहिन की, इलेक्शन लॉस की वायलेशन की, और वो सहने लगे मैंने बड़ा कमाल किया क्योंकि तो वो आयन कानून पर ज़रा कम ही अमल करते, अब आज इनको इसी का पाला पड़ा हुआ है। तो वो इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया, उसमें नीचे जो अमला है ये जो बाकी जो लोग काम करते हैं वोटर लिस्टों का तैयारी थी, उनका दराज था पोलिंग स्टेशन पर, उसके हिसाब मुताबिक लिखना, बहुत सारी खराबियां, पैसा जैसा चला लोगों को बरादरी के नाम पर तकसीम किया गया। मैं नहीं कहता कि इससे पहले नहीं होते थे बरादरी का अपना वो नहीं कर होती थी, लेकिन इस समय जो कुछ हुआ जो मैंने वहाँ देखा है 21वीं सदी में भी हम जो है आज भी जो है वो कुरुने गुला में रह रहे हैं। उस जमाने में क्रिकेटों के नाम होते थे, तो ये कोई सेहतमंद रुझान नहीं है हमारी सियासत के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं उन्हें राष्ट्र में सेहतमंद सियासत को की हमायत करनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी आपकी भी थी मुस्लिम लीग, मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं तशरीफ लाए सारे इलेक्शन में, यहाँ बेनजीर साहब मैंने दौरे किए जब वो पीपल्स पार्टी की सरकार थी,
तो ये नया नई रिवायत डाली इन्होंने इमरान खान साहब, बहरहाल अपने वो अंजाम तक पहुँच गए। तो एक तो ये उसमें थी, दूसरी बात यह है कि दोबारा से ये जो तेरहवीं तरमीम है इसके ऊपर फिर से एक तब आजमाई की कोशिश भी है कि इसको रिवर्स किया जाए। ये रिवर्स नहीं हो सकती, बल्कि आजाद हुकूमत को मजीद इख्तियार की अभी ज़रूरत है, जो हम खुद भी कर सकते सारे नहीं, उनसे पूछने की जरूरत है। लिखा हुआ वो दो तीन दफात ऐसी हैं जिसमें खुद पाकिस्तान की प्रायर अप्रूवल थी, वो भी अनसप्रोल्यूशन के तहत, डिफेंस है, फॉरन अफेयर्स है, फॉरन करेंसी है या फॉरन ट्रेड है, वो चुके हैं पहले से उनके पास यू रेजोल्यूशन की वजह से। बाकी में तो आजाद शरीफ की हुकूमत को जो है वो कोई असम्बली को कोई पाबंदी नहीं है कि वो कानूनसाजी में कर सकते। फिर वो शाम मुर्दा शाम डंडी पर उठाया, बाद लोगों ने वो डराने शुरू कर दिया। अभी तक तो उन्होंने रिस्क किया था इस हुकूमत ने एक मीटिंग में, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या करेंगे। तो एक तो ये है, उसके बारे में मैं इसीलिए मैं आया था, कोटली आया था, मैंने कोटली बार्स में भी इस अपनी बात को की, इससे पहले मुजफ्फरबाद में भी की सेंट्रल बार में, इंशाल्लाह मीरपुर भी करूँगा, रावला कोर्ट भी करूँगा, सुप्रीम कोर्ट बार भी, हाई कोर्ट बार भी, अखबार मौजूद भी, मीडिया है उनसे बात करूँगा इस हवाले से। तो एक तो ये था मकसद आने का, दूसरा ये था कि अपने राखी साहब के पास हम कल गए थे, उनसे हमें रिक्वेस्ट की कि वो जमात में शामिल हों, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से हमारी इस पेशकश को कबूल किया और आज थोड़ी देर के बाद वो जो इजलास इज्तिमा होगा उसमें शामिल किए। और बाकी अगली बात यह है कि जिस तरह आज अब आजाद शरीफ का निज़ाम चलाया जाए, 11 महीने गए, ये दूसरी हुकूमत है पी टी आई की। मैं किसी ने कहा कि वो सबक वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि सदर ने और वज़ीर आज़म मेरी हुकूमत ग्रह है, ग्रह नहीं है बल्कि उन्होंने आप पर अदम अतमाद करवाया, गिराते हैं मुखालिफ लोग। अब ये है कि क्या मतलब है कि अपनी पार्टी अपनी है वो उस तरह से बात करते हैं, उसकी भी तस्दीक की पता नहीं, इसके साथ क्या करेंगे। आजकल कुछ पता नहीं चलता कि हुकूमत किस कौन चला रहा है, क्या वज़ीर आज़म के पास है ये। अब एक तो होता है कि राय साहब बैठे हैं, वज़ीर कानून भी रहे, एक तो काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अहकाम होते हैं वज़ीर आज़म आज खुद या वज़ीरिया काबीना वो अहकाम सादर करते हैं, वो जिनके हुकूमती इकदाम को जो है ना वो नाफज करना या सादर करते हैं। वज़ीर आज़म भी नापायद हैं, मेरे बारे में उन्होंने कहा जी के जी वो बड़ा अच्छा, बड़ी उनकी मेहरबानी, लेकिन मेरी तारीफ करने से तो काम नहीं बनता ना, आगे तो उन्हें खुद चलाना है ना निज़ाम। ना काबीना, अब मसल यह है कि काबीना का आज तक एक इजलास नहीं हुआ जब से ये हुकूमत बनी, ना वो खुद बैठते हैं दफ्तर में, ना वो एक्सेस है लोगों को, ना वज़रा की और ना काबीना बैठती है, तो निज़ाम कैसे चलेगा। कहते हैं जी कि कट लगा दिए, मैं इसकी वजह करना चाहता हूँ, अल्लाह भला करे शायद खाकान अब्बासी साहब को अदमिश्ता इस्माइल साहब का, ये हमारे मौसम है मियाँ नवाज शरीफ के बाद, सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ हैं, उसके बाद ये कि हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमारा शेयर बढ़ाया जाए सेंट्रल टैक्सेस में, उन्होंने बढ़ाया, मैं उस वक्त के सेक्रेटरी मालियात का भी जो पाकिस्तान के शुरू गुजार हूँ 3.64 किए, जिसे मैं उस जमाने में 14 अरब रुपया मिला। अब उसमें यह जितनी मजमू आमदन बढ़ेगी हमारा शेयर भी साथ साथ बढ़ता रहेगा, यानी जो उस पर पैसा है, उस वजह से जो ये जो अभी माली साल जा रहा है, ये गुज़श्ता जून में मैं गया वज़ीर आज़म के पास तो पता चला हम पर उन्होंने कट लगा दी है, हमारा शेयर बनता था 70 अरब, उन्होंने हमें 50 दिया। मैं गया उनके पास, उनको बात समझाई, उनको बात समझ आ गई, तो उन्होंने 5 अरब और बढ़ा दिया हमारा, तो 55 कर दिया, यानी फिर भी 15 अरब कम था। इस दफ़ा जो है मजमूई आमदन का बना है हमारा शेयर बनता था 74% 74 अरब और मिला हमें 60, यानी 5 बढ़ाया उन्होंने, ये नहीं कि कम किया है, ये झूठ बोलते हैं, 5 बढ़ाया उन्होंने, शर्म नहीं आती है ये बुजुर्ग को झूठ बोलते हुए।
अब पैसे नहीं है चुके, इसलिए सबको नहीं मिला, वो हम ही नहीं है सिर्फ उससे मुतासर, पूरा मुल्क मुतासर है इमरान खान की पॉलिसियों का। अगर वो हुकूमत ना तब्दील होती आज इमरान खान इससे भी बदतरीन हालात का शिकार होता। पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फैसला किया कि मुल्क को बजाय दिवाली हो जाए इसकी नाव डूब जाए, अल्लाह ना करे माजल्ला, अल्लाह मेरे मुँह खाक वो पाकिस्तान को बचाओ। अब ज़्यादातर गवर्नमेंट का बजट है 28 था, हमें 26 मिला है, 3 अरब रुपया आया जो उसका अपना ये PSDP का, 2 अरब रुपये की कमी आई है इसमें। ये इस बात यह है वो सारे सूबों को कट लगी और इनको जो है ये अभी जो कहते हैं हमारी आखिरी सिमाही में पैसे, आखिरी सिमाही में पैसे नहीं मिले, इन्होंने 3 सिमाही में किया गया है, अभी भी 5 अरब रुपया इनके पास पड़ा हुआ डेवलपमेंट का, जिसने खर्च करने खर्च नहीं कर पाए और पैसे और मांग रहे ना। तो देखते हैं ना ये पैसे खर्च करने में इनमें अहलियत सलाहियत है कि नहीं है, नहीं थी अहलियत सलाहियत, उन्होंने कट लगाई हमको, ये भी इनकी वजह है। इस तरह तो नहीं हुकूमत चलती, थर्ड पार्टी वैलिडेशन को ख़त्म करना चाहते थे वो, हमने हम हाईकोर्ट में रिट वो नहीं हो सकती, हम चाहते हैं ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 15 तक जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन के ऊपर से पल्स में आया 16 से 18 तक। दूसरा ये है कि कोई निज़ाम नहीं है, कोई महकमा एक गैर एक बगैर मतलब के शख्स के जरिए एक महकमा उसके सपोर्ट किया हुआ। अब बात ये रोनर होते हैं कि जी आमदन का, तो ये जो हमने दिया है CPR ये 11 से 28 पर पहुंचा है अरब पर बोझ इसके अंदर, तो आप इसमें कोशिश करें इसको बढ़ाएं ना, टैक्स रेट को बढ़ाएं, ये तो हमारा अख्तियार है, इसे किसने रोका आपको, लेकिन कोई बैठे को दस्तियाब तो हो ना। बस सुबह सवेरे वजीर सूंघना शुरू कर देते हैं हर वजारत में कि कहीं कोई नौकरी खाली तो नहीं है, शुरू शुरू करते रहते हैं मतलब है सुबह सवेरे रोजाना आकर, अगर कभी आए मुजफ्फरबाद न ये बैठते न कुछ है न कहाँ है। तो मैं आपको मैं मुजफ्फरबाद में रहता हूँ तो अजीब सूरत आलम मुजफ्फरबाद दर खिलाफा है, अच्छा बुरा है वहाँ, मतलब है वो उल्लू बोलते हैं, है ही कोई नहीं। तो ये मेरे लिए नहीं, तो मुझे तो कोई इस तरह की मुझे ज़ाती तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस मिलकर शहरी की वजह से सबके लिए परेशानी है। इस तरह जो है निज़ाम नहीं चलता और ये कि निज़ाम ही बैठ जाएगा, कल लोग कहेंगे कि इसका इस सिस्टम को रखने का फ़ायदा क्या है, ये किसी हुकूमत रखी हुई इससे ज़रूरत ही नहीं है, इससे ज़्यादा पंजाब में बड़े अजला उनकी आबादी है तो ठीक है दफ़ा करें, बस लोगों को राजकश्मीर का वजूद बुरा भी लगता है, ये सारी बातें मिलकर जो है ना वो फिर खराबी कर रहे थे। ये मेरी गुजारिश थी, मैं यार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उनके साथियों का भी कल से ये साथ रहे हैं, बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया स्कूल को, और इंशाल्लाह मैं बाद में भी आऊँगा। बरादर में मेरी यही दरख्वास्त है अपने लीग के कारकुनों से मीडिया के थ्रू कि जमात को मजबूत करें, मुस्तकम करें, अच्छी तंजीमें बनाएं, आपसे इख्तलाफ दूर करें, और हो सकता है कि आपको कॉल देनी पड़ जाए हमें पहले कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम इसका लाजमी में चल रहा है इसका खात्मा किया जाए, या असम्बली के अंदर ही असम्बली से बाहर। अच्छी बात यह कि बाद मामला जो आइन के अंदर लिखे असम्बली के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर प्रॉब्लम होता है। बहरहाल मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ, यही मेरी मारूजात थे, अगर आपने कोई राय साहब आपने तो बात करनी है, आप उसको बात करनी है, एक कोई सवाल करना होगा सब कुछ ये एक तो कश्मीर की सूरत जो है उसमें आप क्या समझते हैं, वैसे अमली तौर पे तो जितनी भी ये हुकूमत गुजर चुकी है उसके तो आपने थोड़ी सी बात की, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए मनसूबों के हवाले से जो आप लोगों ने शुरू किए थे या उस दौर में शुरू हुए थे उनकी क्या सूरत हाल है, और मजीद ये कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से इसकी हुकूमत की पॉलिसी और वहाँ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में चलते हैं। गर्मी है रश है तो वो मैं एक बात भूल गया कि यासीन मलिक साहब की गैर कानूनी नज़रबंदी गिरफ्तारी उसकी उसके खिलाफ एक कैंगरू कोर्ट से मुकदमा चला सजा देना, हम इसकी मजम्मत करते हैं।
आज़ादी की खुशबू को ऐसे नहीं रोका जा सकता। कश्मीरी खा के वो हथियार भी उठा सकते हैं, वो मतलब जो सियासी जो उसके तहत भी कर सकते, कोई गुनाह नहीं किया उसने। इस तरह से उनके साथ और भी लोग गिरफ्तार। अब हमारी ख्वाहिश थी कि खुद पाकिस्तान में सबको मुफ्त रोल अदा कर, लेकिन जो उनके हालात हैं मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई मुफ्त रोल अदा करने की पोजिशन में, अपनी फुर्सत नहीं है उनको। अलबत्ता यह है कि जो लंदन में कल कश्मीरियों ने जिस फिकुदुलमसाल यकजहती का मुजाहरा किया, नजरियात अपने अपने अलग हैं होंगे लोग, लेकिन जिस फिकुदुलमसाल जो उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया और जिस तादाद में लोग आए, तो ये साबित करता है कि इस जज्बा आज़ादी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और मैं अपने तारकीन वतन को सलाम पेश करता हूँ। पहले भी उन्होंने ये किया 5 अगस्त, शुरू से 5 अगस्त के बाद बतौर ख़ास, और ये उनसे एक तवक्को रखता हूँ कि वो इसी तरह से कश्मीर के हवाले से ये रोल अपना अदा कर सकें, इसलिए कि इस महकूम कौमों के वही तर्जुमान हैं, वही सफ़ीर हैं जो बैरून मुल्क हैं, जहाँ पर जमहूरियत हैं। इस्लामी ममालिक में बतौने आई कुछ नहीं है, वो शुमाली अमरीका में हों या बरतानिया में या रेस्ट ऑफ जो यूरोप है उसके अंदर, उनको सलाम पेश करता हूँ। उनसे हम ये तोहफा रखते हैं, वो मज़लूम मेरे माएँ बहनें बेटियाँ जान की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी, अपनी इज्जतों की भी कुर्बानी दी है। एक जेन्युइन इंडिजिनस इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है कश्मीर के, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। तो उनको तकबीर देने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनको पता चले कि जैसे जम्मू कश्मीर के आवाम बाब आजाद शहर में, गिलगित में या बैरून मुल्क है, वो उनके साथ उनकी पुष्ट कर सकें। और हम पाकिस्तानी आवाम से भी उनके भी शुक्रगुजार हैं कि 74-75 साल से उन्होंने हमेशा कश्मीरियों की जो है वो उसके हमारे को उन्होंने कभी कोई कमी नहीं दिखाई, और हुकूमतों के ऊपर उनका ये दबाव बरकरार रखा, कोई हुकूमत की जरूरत नहीं उनके कश्मीर के मामले में कोई वाज़ह पसपाई इख्तियार कर सके, उनके भी शुक्रगुजार हैं। अब यह है कि एक होना चाहिए कि राजशाही हुकूमत को कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया जाए, ताकि कश्मीरी खुद बाहर जाकर अपना मुकदमा पेश करें। और हम तो रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी पुश्त पर खड़ी होगी और वह हमारी हमायत करेगी, इस मामले में बैठेंगे हमारे साथ, वो घबराएं ना हमसे, वो हम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई कश्मीरी उधर इधर नहीं है। अलबत्ता हम ये समझते हैं ये जो पुराना ये करारदाद है दूसरा तीसरा, ये कश्मीर के मसले में ये रुकावट है, ये जो कि तू है वो जो उसी तरह है, वो स्टेटस को है बरकरार है, इसको तोड़ने की जरूरत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कश्मीर के मसले के लिए दखल से बाहर निकाला जाए। ये कश्मीरियों की भी जरूरत है कि रियासत जम्मू कश्मीर 84,000 मरबा मील को कैसे बहाल किया जाए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकले और ये खिता जो है ये तरक्की कर सके, पाकिस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान भी करे, कश्मीरी भी करे, ये फ्लरिश करे ये मुल्क, और यहाँ पर जो है वो अमन हो, इस्तेकाम हो, खुशहाली आए, तो ये भी इसको बाहर निकाला जाए इस दलदल से। उस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम बैठ कर बात करेंगे आपस में, और कोई ना कोई रास्ता जो है। भाई साहब आप जान जो है आपने कारकुनान से अपील करते हैं कि आपस में इत्तेहाद रखें, और शायद आपको कार की दिल्ली पर वहाँ आपके कारकुनान भी जैसे अखबार में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, कारकुनान आपके भी अवाम का शिकार है, मरकजी की आदत में आपका जो है वो तंजीम साजी नहीं हो रही है, और आपस में जो उलझ रहे हैं और अखबारी बयान तो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो क्या इससे आपकी जमात मजबूत होगी? क्या ये ज़रूरत नहीं है कि जल्दी जल्द अज जल्द आपकी मर्कजी क़यादत जो है वो इसको पाकिस्तान की मर्कजी क़यादत आज़ाद कश्मीर का सेटअप मुकम्मल करे, ताकि कारकुन दिलजमी से अपना काम कर सके? सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल करेगा? कुछ नासमझी में लिख बैठते हैं, कुछ अपनी पसंद नापसंद, कुछ दूसरा फरीक भी बीच में शामिल हो जाता है। अब यह है कि ये उनकी जिम्मेदारी है अपना लीडरशिप की, वो जल्द अज जल्द जो फैसला करेंगे, मैं राय साहब बैठे हैं, मैं काबिल हमारा
ना इन्होंने कोई किसी अहदे के लिए फाइल तैयार किया ना मैंने किया, तो वो अब लीडरशिप पर है। अब यह अलबत्त मुझे नहीं पता कि क्या वो जिली स्कूल के इंतखाब पर बात करेंगे, पूछेंगे, क्या करेंगे। बहरहाल हमें नवाज शरीफ साहब पर पूरा एतमाद है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे जो सदर हैं कि जो फैसला करेंगे जमात के अंदर है तो फिर जमात ज़्यादा के फैसले को कबूल करना पड़ता। अब आगे फिर जो बनाएंगे वो फिर साबित करेंगे उसको अहल हैं ये नहीं। जी राज साहब, आपने अभी फरमाया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नुमाइंदा तस्लीम करना चाहिए। जिस दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के रुए रवा यासीन मलिक को उसकी सज़ा के बारे में फैसला किया जा रहा था, तो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जिसे बेस कैंप बनाया गया था उसके हुक्मरान उस दिन डी चौक में धरना दिए बैठे थे, इसको कैसे तस्लीम किया जाएगा आज़ाद कश्मीर की या कश्मीर के अवाम की या उस कौम की या नुमाइंदगी करने का हाथ रखते हैं। इससे कबल एक मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जसकोल के मकाम पे जे के एल एफ ने एक धरना दिया था, उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उस धरने को सपोर्ट भी किया था, वो आज भी रिकॉर्ड पे आया, आप उस धरने में गए, मैंने आपकी वहाँ पर तकरीर भी सुनी थी। आज ये जो मौजूदा हुकूमत है क्या ये वाकई तौर पर कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी का हक अदा कर रही है? अगर वो पाकिस्तान की सियासत को बचाने के लिए उसके प्राइम मिनिस्टर जो साबिक थे उनकी सियासत को बचाने के लिए ठीक उसी दिन जाके धरना देंगे, तो क्या हम अपना मुकदमा जो है वो आलमी अकवाम आलम के सामने रख सकेंगे? आपकी बात दुरुस्त है, कसूर किसका है? 25 तारीख को लोगों ने वोट डाले हैं। बात यह है कि यहाँ वो शऊर ही नहीं रहा कि किस बुनियाद पर आपने वोट डाले, क्या कर रहे हैं आपने, क्या नौकरियों के लिए सियासत होती है, तबादलों के लिए सियासत है, ये पुख्ता सड़कों के लिए सिर्फ सियासत है, गली में उस तरफ विश्व की तरफ आते ही नहीं है लोग। कसूर वाले लोगों का है, मेरा कसूर होगा, किसी और का कसूर होगा। यकीनन आपकी बात हो सके, ऐसे लोग इसे अहल नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जो है उसमें आज़ाद कश्मीर के आवाम शऊर उसका अपने इन बातों को बदल रखते हैं, लोगों को वोट डाले ना, तो फिर वो जाकर नुमाइंदगी कर सकते हैं। बात आपकी बजाय उसके लिए ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें मुदाखलत ना करें और जो है वो लोगों को आज़ादाना बुनियादों पर जो है वो उनको दिया जाए। और फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि ये लोग क्या करना है, आपको इलेक्शन में क्या करना चाहिए। अखबार सिर्फ बयान के लिए नहीं है, मेरा फारूक हैदर ने आज ये बयान दे दिया। अखबार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि भाई ये ठीक है या ये गलत है। तजिए होने चाहिए, वो बायस तजिए नहीं होने चाहिए और साफ अच्छे तजिए होने चाहिए। आते हैं अखबार पर अच्छे तजिए, लेकिन कसूर आज़ाद कश्मीर के लोगों का है जो ऐसे लोगों को अपने सिर पर बिठाते हैं और ये लोग नुमाइंदगी नहीं कर सकते। क्या कोई आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक आतमाद की कोई तैयारी हो रही? मेरे लिए कल ना अभी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई मेरे इलम में नहीं सर। ये कश्मीर में शॉर्ट फॉल का सुना है कि इस वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, और दूसरा कुरेटे में एक दिन बिजली बंद होती है एक दिन होती है, तो हमारे डैम भी हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हुकूमत तो इस बारे में कुछ नहीं कर रही। लेकिन क्या इसमें अपोजिशन ने भी कोई अमल अख्तियार किया कि कश्मीर में डैम बने हुए हैं, हम पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहे हैं, उनसे अर्निंग जो है हमारे बजट में इजाफा हो, कश्मीर को बिजली कम कीमत के नसूब में मिलनी चाहिए और इसको हम देर से निकाला जाए, इसके बारे में आपका क्या राय है? बात यह है कि ज़मीन आप दें, पैसा आप लगाएं, तो जिसे पैसा लगाया उसी की बात चलेगी। अब आज़ाद कश्मीर जो अपने तौर पर बिजली पैदा करता है 30 मेगावाट एक है मैक्सिमम, 14 हमने लगाया था, हमने ही लगाया और हमने ही उसका इस्तेमाल किया, मैंने इसका बनाया रखा, मैंने किया इधर अपना इसमें कर बनती एक में, और वो 6 मेगावाट है, 3-1 है, 2-1 है, इस तरह 3 है, 1 इधर धनवा में, 1 है, 1 है, इससे हमारी बिजली पूरी नहीं होती। अब ये जो है ये बाबड़ा के पास है, ठीक है जी, पैसे उनके लगे हुए हैं, और ये फिर बिजली जो है ना ये बरह रास्त हमें, देखें बिजली का एक सिस्टम है, ये जाती है कोट लखपत में, वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये जो जेलम अपना जो है ना ये मंगला हुआ है या ये अपना जो अपना जेलम जेलम दो बड़े पन बिजली के, वो इधर नहीं आ सकती ना, मुजफ्फरबाद में नहीं आ सकती। तो मुजफ्फरबाद में एक लगा था 145 मेगावाट का, एक कोटी में लगा है मेरा ख्याल 100 मेगावाट का। तो ये अब इसके लिए ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में है,
उसमें यह है कि जब तक हम अपने खुद नहीं लगाएंगे और तब तक मेरा ख्याल है हमें 350 मेगावाट की जरूरत है, 350-350 मेगावाट। बात तो आपकी ठीक है, अगर उस तरह तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल बाद तो रख सकते हैं कि हम पैसे तो आपने लगाए लेकिन हमको भी कुछ मैं आपसे बताऊँ ना, अब जो नेचुरल गैस है बलूचिस्तान से आती है तो फिर वो बलूचिस्तान में रहनी चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए। ये क्योंकि जो चीज़ें नेशनल ग्रिड पर चली जाती हैं वो इसी तरह तकसीम होती है। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं। अब उसके लिए बड़े तो नहीं हम कर सकते ना, अब हम 1 खरब का या 5 खरब का मनसूबा था, ये जो जो करोड़ वाला भी पता नहीं 1 खरब का है, जितने पैसे हमारे पास नहीं तो छोटे छोटे पर डैम पैदा करके जो है ना ये बिजली के फिरा के तो अपनी बिजली को पूरा करना चाहिए। सर मेरा सवाल है कि आपकी भी गवर्नमेंट रही है, बाकी जमातों की भी गवर्नमेंट रही है, खुरेटा के अंदर नग्याल के अंदर वो जैसे बच्चों के साथ सौतेली माँ सलूक करती है ना, ऐसा हो रहा है कि पानी की इतनी किल्लत है ना ही आज तक खुरेटा के अंदर आपकी जमात ने इसके बारे में सोचा है ना ही दूसरी जमातों में सोचा है, इसकी क्या वजह कि एक कैन 1000 रुपये का बिक रहा है? जी सर सर प्राइम मिनिस्टर तो आप ही रहे ना, आपको तो नाले में आपके मुंह में पानी जा रहा है कि देखिए जो है शहरी है उसके लिए होता है कि टाउन की जो है ये अपनी बनती वाटर सप्लाई बनती है, ठीक है। ये बस मैं अभी गया था तो 45 करोड़ रुपये की है इधर अपना इसकी चढ़ोई की, ठीक है, जनाबे वाला इस तरह मुजफ्फराबाद की है, मीरपुर की है, कोटली की भी बन रही है, मुझे इसका नहीं पता। इसकी जो है वो आप ये टाउन कमेटी म्यूनसिपल कमेटी का फ़र्क है, जो गवर्नमेंट का फैसला वो ये था कि म्यूनसिपल कमेटी जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर जो है ई पी एच के जरिए अब अजा कोटा चुके ये टाउन कमेटी था उस वक्त जो है ये अब इसको जो है टाउन कमेटी होते हुए भी जो है ये उनकी मेहरबानी है कि हमने जो है इस पर यहाँ पर इस वक्त कितने करोड़ की है वो तकरीबन 50 करोड़ की स्कीम आपकी मंजूर है, उसका डिजाइनिंग भी होगी, सारा सिलसिला उसका हो गया। ये आपकी मुस्लिम कमेटी जो है टाउन कमेटी कमेटी में मतलब है जब इसको दस्तियाब भी किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है इसको जो है, अब ये पूरा डिजाइनिंग पर है, डिज़ाइन इसका हो रहा है और पहले डिजाइनिंग थी नीचे थी इसकी, फिर वो बाहर से पानी चूँकि साफ नहीं कर रहा था, फिर यहाँ पर 2-3 जगह पर जब उन्होंने चेक किया जो है जहाँ से पानी को लिफ्ट करके आपको देंगे कुरेटे को। अब ये मौजूदा हुकूमत जो है इसने मतलब जो 7-8 माह को बुजुर्ग गए इसमें कोई ज़रा भी पेश रास्त नहीं हुई, सड़कों का काम बंद है, बिजली का काम बंद है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं है। ये कुरेटे की वर्षा स्कीम जो है मैं समझता हूँ जब ये इस बात की कमियाँ महसूस करते रहे, लेकिन ये टाउन कमेटी की वजह से अब म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा भी इसको मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मेहरबानी से साहबा हुकूमत की मेहरबानी से हमें जो है वो एक बड़ी रकम 50 करोड़ रुपये की स्कीम ये बन गई है जिसमें आपका शहर भी शामिल है, आपके जो मुजिका जो है ये इलाके मतलब है ये इसका आपका गंगा भी है इसमें दड़ा भी शामिल है, सड़क का जुज भी सा शामिल है, फतेहपुर दिहाड़ी का जुज भी सा शामिल है, ये माजर कॉलोनी थले वाला एरिया सा शामिल है, ये सारा एरिया है जिसमें जो है बस पे स्कीम चलेगी, इसमें लगा हुआ जो स्कीम बनाई है, लेकिन इसमें जो है वो आप जुदा हुकूमत जो है उसकी हम कोशिश आपको भी करनी चाहिए, हम भी कोशिश करेंगे और आप जो है वो आपको सऊदी में जाकर जो है हमारी वो अदा कर सकते हैं, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब एकदम अच्छा है। एक एक बात कर लूँ, दो चीज़ें हैं, देखिए आप बिजली से जो है ना ये भी देखें मुझे नहीं पता ये ग्रेविटी से आएगा पानी या आप लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट होगा आपको पता है लिफ्ट पर कितने पैसे बिजली का पानी ज़्यादा जो हाल में बहुत ज़्यादा पानी है ये मजवार और बिहार में पानी बहुत ज़्यादा है, उससे अगर वाटर सप्लाई हो जाए तो ये पूरा तहसील कुरुटा इसमें पानी से मुस्तफ़ीद हो सकता है। दो चीज़ें देखनी है, नग्याल सिकंदर साहब ने एक रखी थी उधर से पीछे वो पीपल्स पार्टी के पाई साहब में पाइप वाइप पड़े थे, फिर वो मुझे बाद में तारक साहब को मेरे सामने अल्लाह को मतलब बुलाया था तो वो मैंने नहीं दे जाकर देख सका उधर कि वो पाइप वगैरह लगे, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो पाइप लगे नग्याल है या खडार जो भी है उधर जो है वो पानी जो जा रहा है जाकर पता कर सकते। आप शरीद के इलेक्शन में बड़ी शिकस्त हुई आपको उसका फोन तो निकाल रहा है कि आपने उसे समझ सकते
दिखाया है, जिन लोगों ने पार्टी के अंदर रहते हुए इस पार्टी को कमज़ोर किया, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या उनको वापसी का कोई चांस है, उनको कोई माफी मांगने का कोई चांस है? और आने वाले इलेक्शन में आप कैसे जा रहे हैं? तीन हिस्से हैं आज़ादी की असम्बली के, एक है उसके 29 सीटें थी आज़ाद कश्मीर की असम्बली, वो आ गई, एक है 8 जो वो इंडायरेक्ट इलेक्शन से आती है, और 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान के अंदर माजरे की होती हैं, जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। 8 सीटें भी तभी होंगी कि जब नीचे से आएंगे तो वो लोग उसमें बनेंगे, बाकी रह गई 29 सीटें। अब ये है कि मैंने तो कहा था कि उसको देखते हैं क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, बहुत सारी बातें होती है, असलता बात ही होती है फतेह के सारे वारिस होते, शिकस्त का कोई नहीं होता, हो सकता है मेरी खराबी हो, मेरी खराबी जैसे लोग हार गए हो। तो बहरहाल अब यह है कि फतेह पास इज पास, अलबत्ता ये है कि उनको मंजर रखकर जमात को जो आइंदा जो है मनसूबबंदी ऐसी करनी चाहिए कि उन खराबियों का जो है उतार किया जाए। बात यह है कि जो लोग कुरान पर उठा कर, यानी ये कुरान मजीद है, ये रलफ है, और वो एक साहब थे जिन्होंने 15 मिनट तकरीर की कि कुरान पर हलफ की क्या अहमियत है, वो भी मुंह काला कर गया तो मैं क्या करूँ उसका? मैं तो यही कहता हूँ आप हजरात से, ये कहता हूँ कि अब चूंकि मीडिया का दौर है तो मैं ये तवक्कु रखता हूँ कि आप तो खबर तो आपने देनी हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप वो जिम्मेदारी है आपकी, अलबत्ता यह है कि अल्फाज जो है ना एक लफ्ज़ ऊपर नीचे करें तो वो अच्छा भी होता है, और वो लोगों को इस तरह करें जिससे माशरे की बेहतरी हो, और हुकूमत पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें, वो हुकूमत को घबराने के लिए सबसे फ़ायदा मंद यह कि उसको पता चले। मैं आपको छोटी बात हूँ, मुजफ्फराबाद ये लोकल अखबार निकलते रहते हैं, मैं क्या उन्होंने कहा जो पानी है फलान सड़क पर लोगों को खराब होते हैं, तो मैंने कहा भाई इधर से नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना कि वो खबर है, मैं खड़ा हो गया, वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस्तेमाल करते हैं ईशा पर, उन्होंने वो सारी नाली बंद कर दी मेन रोड के ऊपर, वो नीचे से तो वो पानी सड़क पर आ गया गंदा। अब मैंने खुद भी कुछ कर रहा है कि भाई मैं वो ना डालूँ उसके अंदर, आप सही कर रहे जो आपका बड़ा इलाका खूबसूरत है, आप मुहिम चलाएं, ये जो शापर में जो चीज़ें बिकती हैं इसको आया कानून बहन कानून कि इससे जान छुड़ाई जाए, इससे हमारी जो है ना ये बड़ी खराबी पैदा हुई है। तो कागज़ में घर अब पुराना वक्त था, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, वो प्लास्टिक की होती थी टोकरी अच्छी सी, लोग उस पर ले आते थे साथ चीज़ें उठा के ले जाते थे घर, अब यह कि वो भी लोगों ने छोड़ दिया, कपड़े का थैला बना ले उसमें ले जाए, कोई क्या कोई इसमें इंसल्ट होती है कि वो जो है पॉलीथीन वाला बड़ा मुतबरक है और कपड़े वाला वो उसमें कोई गुनहगारी आ जाती है, एक तो ये चूज़ करें। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप देखते हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, इंतजामी है, पुलिस है, नकल माल है, यहाँ पर जो कोई खराबी है उसको जो आप जरूरत उसको करें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में भी दो लफ्ज़ उनकी तहसील में उठा के उन लोगों को जो है ना वो हो सके। बाकी हमारा असल मसला जो कश्मीर है उसके साथ हमारा ताल्लुक कायम रहना चाहिए, यहाँ पर बेशुमार लोग माजरीन और अपना घर बार छोड़ कर आएंगे, इलाका एलएसी के करीब है, वो अगर आज ही वो अपनी लाग रहे तो उससे गोला मारे तो सीधा यहाँ पर आगे लगेगा, बदले से भी आगे जाएगा। तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब है यहाँ पर पर्यटन है, तो इसको अच्छा शहर बनाए, अपना साफ सफाई वगैरह रखें, तो मेरी तरफ से आपकी तो मंदा रहे क्योंकि ये काबिल करना चाहिए ताकि हो सका पंचायती इलेक्शन वो उसका कसूर मेरा नहीं, मेरी पार्लियामानी पार्टी का, उनको मैंने कहा था कि नहीं होगा जिम्मेदारी कौन जिम्मेदारी देगा उसका, निजी इलेक्शन देख लिया ना मैंने लोगों को वो उसका नहीं थे वो थैंक यू आपने